अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ब्लेडेड बाय पारो। तो देखिए आज हम क्या बना रहे हैं दिल से। आज हम बना रहे हैं फ्रूट पैराफे। फ्रूट पैराफे क्यों? क्योंकि गर्मियों का मौसम आ गया है और गर्मियों में बहुत सारे फ्रूट्स आ जाते हैं, इसलिए मुझे गर्मियां बहुत पसंद है। उसमें सभी बेरीज आती है, आम आता है, उसमें सब आपके जो है कि पीचेस आ जाते हैं। तो आप जो है, ये एक आसान रेसिपी है जो कि आप चाहे तो इसको नाश्ते में खाएं, चाहे आप इसको एज अ डिजर्ट बना के खाएं, और चाहे तो अगर आप ब्रंच, क्योंकि गर्मियों के मौसम में बहुत सारे घरों में ब्रंचेस होते हैं, और ये एक ऐसी रेसिपी है कि आप पहले से बना के रखें, इसको बड़े प्यारे से तरीके से सजा के रखें और लोगों को पसंद आएगा। तो देखें कि इसमें क्या जा रहा है। तो देखिए, इसमें मैंने जो है कि सभी वो फ्रूट्स डाले कि जो आजकल गर्मियों में आना शुरू हो गए हैं, जैसे कि ब्लूबेरीज हैं, मैंगो हैं, सेब जो है कि क्रंच देता है, स्ट्रॉबेरीज हैं, आपके केला है और रेस्पबेरी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बेरीज होती हैं, जो भी आपको पसंद है आप वो यूज कर सकते हैं। जब पीचेस आ जाते हैं वो आप भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये आपकी मर्जी है कि आप कौन सा फल इसमें डालना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो इसका हम इसकी जो क्रीम बना रहे हैं, एक आसान, जिसमें जो है कि आपको कंडेंस मिल्क चाहिए, ये एक टीस्पून आपको हनी है, और ये सावर क्रीम है। इसके अलावा जो इसमें आपको एक क्रंच चाहिए कि जो कि क्योंकि सभी सॉफ्ट है, तो वो मैंने गर्नोला लिया है। गर्नोला आप जो है कि मैं आपको किसी दिन रेसिपी बताऊंगी खुद भी, लेकिन गर्नोला आप चाहे तो प्लेन ले लें, या गर्नोला चाहे तो नट्स के साथ ले लेंगे, आपकी चॉइस है कि आप कौन सा लेते हैं। तो चले पहले हम इसकी क्रीम बनाते हैं। तो चले हम अपना पहले इसकी क्रीम मिक्स करते हैं। ये 2 कप सावर क्रीम है, और इसमें ये 1 पूरा कैन ऑफ कंडेंस मिल्क। आप चाहें तो सावर क्रीम, अगर आपको चाहे कि इतना मीठा नहीं चाहिए, तो सावर क्रीम या तो ज्यादा डाल लें, और या फिर कंडेंस मिल्क को कम कर लें। ये आपके ऊपर है कि आपने कितना मीठा आपको खाना है। आप इस क्रीम को बना के रख लें और आप, ये खराब नहीं होती है, और थोड़ी सी 1 टीस्पून के करीब इसमें हनी है। तो इन सब चीजों को जो है कि आप मिक्स करेंगे। तो ये देखें, मैंने सब चीजें अपनी क्रीम के बना के मिक्स कर ली है। देखें इस तरह का जो है ना, एक गाढ़ा सा कस्टर्ड की तरह बन जाता है। तो आए अब हम अपने जो है कि मैं आपको बताते हैं कि इस पैराफे को आपने असेंबल कैसे करना है। तो देखिए, मैंने आपके सामने जो है कि कितनी डिफरेंट ऑप्शंस रखी हैं कि आप किसी तरीके से भी इसको बना सकते हैं। अगर आप जो है कि ज्यादा एक ही बॉल में बना ला सकते हैं, आप इससे बड़ा भी ले सकते हैं, एक ही में असेंबल कर लें। अगर आपके घर में ब्रंच है, या डिनर पार्टी है, या कि ब्रेकफास्ट पार्टी और सुबह का नाश्ता है, तो आप जो है कि सबके अलग-अलग किसी भी चीज में जो है कि असेंबल कर सकते हैं, प्यारा लगेगा। तो बना के देखते हैं कि आपको कि कैसा लगता है। सो आपने ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे बनाना चाह रहे हैं। आप चाहें तो पूरी लेयरिंग डिफरेंट कर लें, चाहें तो सब चीजें मिक्स कर लें। तो मैं सब बना के तो फिर आपको दिखाते हैं कि सब कैसे लगते हैं। तो देखें, मैंने सारी चीजों के असेंबल कर लिया है, जो कि जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप चाहें तो जैसे भी बनाएं उसको, किसी सर्व इस तरह के प्रिटी बॉल्स में बना सकते हैं। अगर आपने अलहदा अलहदा सबके बंद करने, छोटे से अगर छोटा है उससे भी कर सकते हैं। अगर आपने पूरी एक पूरे किसी बड़े वाले बॉल में बनाना है, डोंगे में बनाना है, आप उसमें भी कर सकते हैं। कोशिश करें कि वो सी थ्रू हो, कि जिसमें आपके जो कि जिसमें से नजर आ रहा हो, सिंपल शीशे का तो वो नजर आता है, तो वो अच्छा लगता है।
लेकिन एक आसान रेसिपी है जिसको आप पहले से सारे फ्रूट काट के इसमें बंद करके हर चीज को क्रीम बना के रख लें, और जिस दिन आपने सर्व करना है आप उसे थोड़ी देर पहले उसको सारे को असेंबल करें और सर्व कर दें। लेकिन चलें आए खा के देखें कि बना कैसा है। ठीक है, देखा आज की रेसिपी जो है कि कितनी आसान रेसिपी थी। समर को एंजॉय करें, गर्मियों के मौसम को एंजॉय करें, जो फल है उसको खाएं, हमेशा वो चीज खाया करें कि जो सीजन में होती है। एक आसान रेसिपी और मजेदार रेसिपी। तो जो है कि मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आएगी। प्लेटेड बाय पारो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक आसान रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।